संग्रहालय के जरिए आज की पीढ़ी इतिहास के बारे में जान पाती है। संग्रहालय के ही जरिए भविष्य की पीढ़ी भी आज के युग के बारे में जान पाएगी। आज यानी 18 मई के दिन पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? आखिर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का क्या उद्देश्य था? जानिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर इस साल की थीम क्या है। बता दें कि संग्रहालय वो स्थान होता है जहां पर इतिहास से जुड़ी प्रमुख चीज़ों को संग्रह करके और संरक्षित करके रखा जाता है। संग्रहालय कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुरातत्व संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय, रेल संग्रहालय, रक्षा संग्रहालय, इसके अलावा और भी। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने 1977 में इसकी शुरुआत की थी। इसका मूल उद्देश्य संस्कृति और इतिहास के प्रति जागरूकता को बढ़ाना था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1983 में इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद से ही हर साल 18 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस दुनिया भर में मनाया जाने लगा। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के निर्णय के मुताबिक हर साल एक थीम को डिसाइड करके संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम की, तो इस साल की थीम शिक्षा और अनुसंधान के लिए रखी गई है। इसका उद्देश्य सिखाना, समझाना और संस्कृति की खोज करना है।